जय हिंद बाबू सब आज मैं कक्षा दस गोधुली भाग टू के पद भाग का प्रथम अध्याय पढ़ाऊँगा राम नाम बिनु जग जन्मा जिनकी रचना गुरु नानक जी ने किए हैं गुरु नानक जी का जन्म चौदह सौ उनहत्तर ईस्वी तलवंडी ग्राम में हुआ था बब्बू सब जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको मैं लाइनिंग कर दूंगा आप लोग उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे जिला लाहौर में हुआ था जो लाहौर अभी कौनसी में है हो पाकिस्तान में है इनका जन्म स्थान जो है नाना काका साहब कहलाता का है इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री है माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम कौन हो सुलक्षणी था ये सभी जो लाइनिंग हम करते हैं बाबू सब यह इम्पोर्टेंट है, है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम यानी प्रयास किया किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके यानी वर्ण यानी रंग के आधार पर जो विभाजन था कर्मकांड, यानी जितने भी धर्म के प्रति जो दिखावा होता है उन सभी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का क्या किया हो प्रचार किया निर्गुण का मतलब होता है बाबू शब्द भारतीय संस्कृति में ईश्वर को दो रूप में मान्यता दी गई है एक सगुण है और एक निर्गुण है सगुण में क्या होता है यानी ईश्वर का आकार गुण आदि का वर्णन होता है और निर्गुण में ईश्वर को निरंकार माना गया है ईश्वर में विश्वास रखा जाता है लेकिन उन्हें उन उनको निरंकार माना जाता है इसी को कहा गया है निर्गुण याद रखिएगा बाबू गुरु नानक गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक यात्रा की यानी ये इधर उधर भ्रमण भी किए थे मुगल सम्राट बाबर बाबर से इनकी भेंट हुई थी गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया कोई पूछ देगा गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया तो सिख धर्म का याद रखना है बाबू साहब गुरु नानक ने सिख धर्म का क्या किया हो प्रवर्तन किया गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में कविताएं लिखी यह भी महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खरी बोली दोनों का मेल मिलता है इनके भवित और विनय के पद बहुत मार्मिक होते हैं यानी दर्द से भरे होते हैं इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे होते हैं जैसे कबीर की रचनाओं में यानी कबीर की रचना से जो हमें आभास होती थी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी इनके भी दोहा से हमें वही आभास होता है लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई यानी उलटवासी शैली मतलब क्या जैसे कबीर जी की रचना थी मतलब कबीर दी दास की उल्टी बानी आंग अग्ना सूखा घर में पानी यानी उलटवासी शैली इनकी शैली वैसी नहीं थी इनकी शैली सीधी थी इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता यानी गुरु की क्या भूमिका होती है इसका वर्णन किए हैं इन्होंने संसार की क्षण भंगूरता यानि ये संसारिक मोह जितना भी है यह क्षण भंगुर है ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता यानी ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान हैं और भगवान के नाम का जाप की महिमा का इन्होंने बखान किया है ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु याद रखिएगा यहाँ से एक जीके भी आप लोगों को याद हो गया यानी सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने सन 1604 सौ ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध एक ग्रंथ लिखे थे और इस ग्रंथ में गुरु नानक जी के जीवन वृतांत लिखे हुए हैं गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी आशा दीवार रही रास और सोहिला याद रखना है इस सब रचना को बाबू सब कहते हैं कि सन पंद्रह में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे कोई पूछ देगा कि जब गुरु नानक अपना प्राण त्याग रहे थे तो उस समय उनके मुख से क्या वाणी निकली थी क्या शब्द निकली थी तो याद रखना है कौन गुरु वाह गुरु बब्बू अब यहाँ पर ध्यान देना है निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित इनके पद इन सर, सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है इन पदों में कवि की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है अब यहाँ पर बाबू सब ये जो है एक दूसरे को प्रेम करना अपनी रचना के माध्यम से एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते हैं और किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं करने के लिए कहते हैं और ये भगवान की भक्ति के लिए इन्होंने जो कहा है कि लोग रूप अपना जो परिवर्तन करते हैं यह सब ढोंग है यह सब नहीं करना चाहिए और कहते क्या हैं कहते हैं कि ईश्वर के नाम का जाप करने से और कर्म को करने से ही कर्म को करना ही सच्ची भक्ति है भगवान की सच्ची भक्ति है नानक के पद वास्तव में नानक के पद वास्तव में प्रेम और भक्ति के प्रभावशाली मधुर क्या हैं गीत हैं यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर क्या देता है बल देता है पहला जो हम पढ़ाएंगे वह नौ पंक्ति की है दोहा उसमें राम नाम के कीर्तन पर बल दिया जा रहा है गुरु नानक जी के द्वारा क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन से जो है पार पहुंचाता है और द्वितीय पंक्ति में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतकरण की निर्मलता यानी हृदय की निर्मलता को हासिल करने पर क्या दिया गया है जोर दिया गया है संत कवि गुरु की कृपा जो है प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा मिलती है यानी मैं ईश्वर में कैसे विलीन हो जाऊं? ऐसी चीजें हमें सीखने को मिलेगी गुरु नानक के द्वारा लिखित पंक्ति के माध्यम से पहला है नौ पंक्ति का पद है बबू शब राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा यानी इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं हे मानव आपका जन्म लेना इस जगत में व्यर्थ है क्यों क्यों जब आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो इस जग में जन्म लेना आपका क्या है व्यर्थ है भिखु खावे भिखु बोले, यानी राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका भोजन भी बीस के समान है आपकी वाणी भी बीस के समान है और अगर ईश्वर का नामाकरण नहीं करते हैं तो आपका जीवन निष्फल है और आपकी मति क्या हो जाएगी भ्रमित हो जाएगी इसलिए हे मानव आप प्रभु के नाम का आराधना करें उपासना करें और जाप करें अगली पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी बोलते हैं पुस्तक पाठ यानी जो पुस्तक का पाठ करते हैं व्याकरण का वखान करते हैं और संध्या कर्म करते हैं वे सभी निष्फल हो जाएंगे किसके बगैर प्रभु के नाम के जाप के बिना प्रभु के नाम के जाप के बिना पुस्तक का पाठ भी बेकार है व्याकरण का बखान भी बेकार है और संध्याकालीन जो आराधना प्रभु की करते हैं वह भी निष्फल हो जाएगी अगर यह सफल होगी कब यह सफल होगी अगर बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी हे प्राणी बिना गुरु के शब्द का अनुकरण किए आप सोच लेंगे कि हम पार हो जाएंगे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी यह संभव नहीं है इसके यानी बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी हे प्राणी बिना गुरु के शब्द का अनुकरण किए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है राम नाम बिनु अरुझी मरे यानी राम के नाम के बिना आप इस जगत में इस संसार में उलझकर मर जाएंगे तो इस पंक्ति का भावार्थ हुआ बाबू सब पुस्तक का पाठ करने से व्याकरण का बखान करने से संध्या उपासना करने से यह सभी से चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है ये सभी निष्फल हो जाएंगे अगर बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी हे प्राणी बिना गुरु शब्द के अनुकरण किए आप अगर चाहते हैं हमें मुक्ति मिल जाएगी यह कतई संभव नहीं है और इसके बिना गुरु शब्द को सुने बिना अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है और राम के नाम के बिना इस जगत में आप उलझ कर मर जाएंगे अब जो ढोंगी संत होते हैं जो उन पर करारा प्रहार करते हुए इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं दंड कमंडल सिखा सूत दंड दंड मतलब डंडा हाथ में डंडा लेकर कमंडल सिखा मतलब टीकी ये जो सिखा रखते हैं ना वो टीकी के बार टीकी को सिखा कहा गया है सिखा सूत जनेऊ यानी ये जो हैं ढोंगी बाबाओं पर जो है भयंकर प्रहार करते हुए इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं दंड को धारण करने से कमंडल को हाथ में रख लेने से शिखा यानी टिकी को रख लेने से और जनेऊ को धारण कर लेने से और तीर्थ पर जाने से पहले धोती को धारण कर लेने से और अति भ्रमणु करे और इधर उधर भ्रमण करने से कुछ नहीं होने वाला है अगर आप इन सभी चीज़ों को ना करते हुए सच्चे मन से राम नाम बिनु शांति ना आवे यानी प्रभु राम की आराधना कर लेते हैं तो आपको शांति मिल जाएगी यानी प्रभु राम की आराधना कर लेते हैं तो शांति मिल जाएगी आप जो दंड कमंडल शिखा सूत को धारण करके धोती पहनकर तीर्थ पर भ्रमण करने से ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है राम नाम के बिना शांति ना आवे यानी राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है जब ही जब जप हरि हरि नाम सुपारी पावे यानी हरि हरि भगवान विष्णु को कहा जाता है बाबू शब और राम जो थे भगवान विष्णु के ही क्या थे अवतार थे यानी भगवान विष्णु के दस अवतार हैं और दस अवतार में सबसे लास्ट का जो अवतार है वह कल की अवतार है यानी चलिए एक बार और इस पंक्ति को मैं बोल देता हूँ दंड कमंडल शिखा सूत यानी दंड हाथ में डंडा कमंडल और चोटी यानी सिखा और जनेऊ को धारण करने से और धोती पहनकर तीर्थ तीरथ तीर्थ जाने से और यहाँ वहाँ भ्रमण करने से यह कुछ नहीं होने वाला है और राम नाम बिनु शांति ना आवे और राम नाम के बिना शांति नहीं आती है जब ही हरि नाम सुपारी पावे और जो मानव सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान हरि भगवान राम की उपासना करते हैं वह उनका बेरा पार हो जाता है अब अगली पंक्ति है बब्बू शब देखिए यहाँ पर वही जो रूप बदलकर कर भेंस बदल कर, हम सबों के बीच रहते हैं उन पर भी कटाक्ष करते हैं और वे स्वयं को अपने भगवान का भक्त मानते हैं भगवान के भक्त सभी हैं जिनके हृदय में सच्ची भावना है हृदय कंचन के समान है हृदय हृदय स्वच्छ है उनके अंदर ब्रह्म का निवास होता है अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई यानी जटा को धारण कर लेने से मुकुट को पहन लेने से तन पर भस्म को मल लेने से वसन छोरी यानी बहुत सारे साधु संत होते हैं जो वस्त्र को नहीं धारण करते हैं यानी वसन छोरी तन नगन भया और तन को नग्न रखते हैं तन को क्या रखते हैं हो? नग्न रखते हैं जंत थ जल थल मही अल यानी जितने भी जीव जंतु हैं जल में निवास करने वाले थल में निवास करने वाले नभ में निवास करने वाले जितने भी हैं यत्र तत्र सरब जिय यानी सभी जीव जो हैं जीते हैं किन की कृपा से प्रभु राम की कृपा से हरि की कृपा से यानी जटा मुकुट तन भस्म लगाई जटा मुकुट तन पे भस्म लगाने से वस्त्र का त्याग कर देने से तन को नग्न कर देने से इन सभी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है यदि यदि भगवान राम की उपासना भगवान राम का जाप नहीं करते हैं तो जितने भी जीव हैं जल थल और नभ में विचरण करने वाले सभी जीव उन्हीं के कृपा से अपना जीवन जी रहे हैं और अंतिम पंक्ति के माध्यम से कहते हैं गुरु प्रसाद राखिले जन को यानी कहते हैं कि मैंने इस पंक्ति के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है यानी यह जो शब्द आपके बीच रखा है यह एक प्रसादी समझकर आप जो है रख लीजिए और रख कर इसके अनुकूल चलने का प्रयास कीजिए आपको हरी रस की ना हरी रस नाम की आपकी झोली में समझिए हरी रस चला गया अर्थात आपने हरी नाम के रस का क्या कर लिया पान कर लिया अब बबू शब अगला है जो नर दुख में दुख नहीं माने यानी बहुत सारे नर होते हैं जो सच्ची आस्था रखते हैं सच्चे रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं उन्हें इस संसार से कोई माया मोह नहीं होता है इस संसार इस माया के जाल से वो पार हो जाते हैं सुख दुख मान सम्मान इस सब की कोई चिंता नहीं होती है और वैसे ही लोगों को गुरु नानक जी जो हैं यानी सच्चे भक्त मानते हैं और इस पंक्ति के माध्यम से देखिए क्या कहना चाहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने यानी वही नर ईश्वर के सच्चे भक्त हैं जो दुख में भी दुख को नहीं मानता हो दुख में भी दुख को नहीं मानता सुख क्या है स्नेह मतलब रिश्ता क्या है भय क्या है यानी इन सभी चीज़ों को वो नहीं जानता हो और क्या कंचन माटी जाने यानी सोने की भी सोने को देखकर भी उसे माटी ही एहसास होता है अर्थात उसके अंदर धन की थोड़ी भी लालच नहीं होती है उसे ही भगवान का सच्चा भक्त माना गया है ईश्वर का सच्चा उपासक माना गया है अगर इन सभी चीज़ को अगर कोई संत अनुकरण नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वे संत नहीं हैं वे ईश्वर के सच्चे भक्त नहीं हैं ना ही निंदा न ही अस्तुति जाके यानी जो ना ही किसी की निंदा करना जानते हैं ना ही किसी की स्तुति करना जानते हैं लोभ मोह अभिमाना और ना उनके पास लोह होता लोभ होता है ना ही उनके पास किसी के प्रति मोह होता है और ना ही अभिमान होता है वही ईश्वर के सच्चे उपासक हैं शोक शोकते रहे नियारो यानी वो ईश्वर में इस प्रकार से लीन हो जाते हैं ना उसे हरस मतलब हंसी और शोक अगर आती भी है तो उसमें भी वो न्यारे बन के रहते हैं निराला होता है उनका जीवन यानी वो हर हमेशा अपने प्रभु में लीन होते हैं ना ही मान अपमाना और ना ही उन्हें सम्मान का डर होता है ना ही अपमान का डर होता है आशा मनसा सकल त्यागी यानी अपने मन में जितनी भी आकांक्षाएं होती इच्छाएं होती है उम्मीद होती है आशा यानी सकल मतलब सभी का वो त्याग कर देते हैं कई जगत तय रहे निराशा चाहे जग निराशा ही क्यों ना रहे उन्हें इन सभी जग से उनको कोई वास्ता ही नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ उन्हें ईश्वर से वास्ता होता है ईश्वर की आराधना में वो लीन होते हैं उन्हें इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है अब अगला पंक्ति है काम क्रोध जही ही पर से ना ही बब्बू याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यानी जिनके अंदर काम की भावना नहीं जगती हो काम ये काम जो हम लोग कार्य करते हैं वह नहीं है ये काम जो है ये दूसरा है जो स्त्री और पुरुष के बीच जो भावना जगती है उस काम की बात हो रही है यानी इस पंक्ति के माध्यम से वो कह रहे हैं काम क्रोध जही पर से ना यानी काम जिन्हें कामदेव स्पर्श ना कर सके जिनके अंदर क्रोध की कोई भावना ना होती हो और परसे ना ही परसे मतलब स्पर्श नहीं कर सके यानी जिन्हें काम और क्रोध स्पर्श नहीं कर सके तेह घट ब्रह्म निवासा <coughs> ते घट ब्रह्म निवासा यानी उनके ही हृदय में ब्रह्म का निवास होता है याद रखिएगा बाबू सब यानी पूछेंगे इस पंक्ति के माध्यम से पूछा जाएगा प्रश्न यानी किनके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है तो आप बोलिएगा बोलिएगागी सा जगत रहे न्यारा निराशा काम क्रोध जे पर से नशा जिन्हें न काम और क्रोध स्पर्श नहीं कर सके जिस पुरुष को काम क्रोध स्पर्श नहीं कर सके उनके ही हृदय में भगवान का निवास होता है याद रखना गुरु कृपा जय ही नर पे किन्नी यानी गुरु की कृपा यानी ईश्वर की कृपा जिस नर पर हो जाती है तीन यह जगत पिछाने वे इस जगत को छोड़ देते हैं बहुत पीछा छोड़ देते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो और नानक जिस प्रकार से गोविंद प्रभु के साथ लीन हो गए प्रभु की भक्ति में लीन हो गए गोविंद भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण भी हरि के ही अवतार थे भगवान विष्णु के अवतार थे यानी नानक लीन भयो गोविंद सो यानी जिस प्रकार से नानक जी भगवान के भक्ति में लीन हो गए हैं भगवान की उपासना में लीन हो गए हैं उसी प्रकार से यदि आप भी लीन हो जाते हैं तभी आप इस जगत से पार पा पाएंगे और देखिए भगवान की भक्ति में गुरु नानक जी कैसे लीन हो जाते थे इस प्रकार से लीन हो जाते थे जो जो पानी संग पानी यानी जिस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ समुद्र के जल के साथ मिल जाती है और एक मतलब और उसको अलग कोई नहीं कर पाता है उसी प्रकार से ईश्वर के साथ जो है नानक जी क्या हो गए हैं मिल चुके हैं और इस प्रकार से मिल चुके हैं जो भगवान की भक्ति से इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है यानी उस प्रकार से मिल गए हैं जिस प्रकार से नदियों की न, न, नदियों का जल जो है समुद्र में जाकर क्या हो जाती है मिल जाती है मुझे उम्मीद है आप लोग इसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जो अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू